दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप एडसेंस का एड कोड कैसे बना सकते हो। अगर आप बिगिनर हो, आपको एडसेंस का अप्रूवल मिला है नया नया अपने वेबसाइट पे, तो आप सोच रहे होंगे कि एडसेंस का एड कोड मैं कैसे बनाऊं और अपने वेबसाइट पे कैसे लगाऊं, तो उसी के ऊपर ये वीडियो है। यहाँ पे मैंने एडसेंस खोला हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे एडसेंस का मेरा डैशबोर्ड खुला हुआ है। आप खोलोगे तो आपको सबसे पहले होम मिलेगा, होम के बाद आप एड्स पे आ जाना, एड्स में आने के बाद एड यूनिट पे आ जाना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको एड क्रिएट करने के ऑप्शन मिलते हैं, पहले में डिस्प्ले एड मिलता है, दूसरे में इन फीड रहता है, तीसरे में इन आर्टिकल और चौथे में मल्टीप्लेक्स। अब ये एड टाइप्स अलग अलग होते हैं और इनका प्लेसमेंट भी अलग अलग जगह पे आप करोगे तो आपको अच्छे एड क्लिक्स आएंगे, आपकी अर्निंग अच्छी होगी। डिस्प्ले एड्स जैसे कि इन्हें यूज किया जाता है, आर्टिकल आप अगर लिख रहे हो तो आर्टिकल में आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ऊपर यूज कर सकते हो आर्टिकल में जब आर्टिकल शुरू हो रहा है, नीचे यूज कर सकते हो उसके, कहीं पे भी ये 100% रिस्पॉन्सिव एड्स होते हैं। मोस्टली रिकमेंडेड ये रहता है एडसेंस का डिस्प्ले एड्स में, क्योंकि डिस्प्ले एड्स में हर प्रकार के एडवर्टाइजर्स अपना एड डाल देते हैं और इसमें आपको सीपीसी भी बहुत अच्छा मिल जाता है। इन फीड एड्स आपके जैसे कि कोई भी आपका जब फीड कर रहा है ऊपर नीचे स्वाइप, तो उसमें इनको यूज किया जाता है फीड में। इन आर्टिकल एड्स नाम से ही पता चल रहा है, इनको आर्टिकल के बीच में यूज करते हैं, ये एकदम आर्टिकल के लुक एंड फील से मैच कर जाता है इस एड का UI UX, और इस पे बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं आपको एड क्लिक्स मिलने के, आपकी अर्निंग अच्छी होने की। मल्टीप्लेक्स एड्स में ये मोस्टली फुटर एरिया में यूज करते हैं हम, इसमें प्रोडक्ट जैसे कि कोई जूते का हो गया, कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट दिखाता है जिसको कि अगर आप डाल दोगे अपने वेबसाइट पे, लोग वहाँ पे आएंगे, वहाँ पे जाकर खरीदेंगे या क्लिक करेंगे तो आपकी अर्निंग होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इतने सारे ऐड क्रिएट करके रख चुके हैं, मैंने पहले इतना क्रिएट किया हुआ है, इतने सारे ऐड कोड। अगर आपको नहीं आ रहा है कि कैसे ऐड कोड क्रिएट होगा, तो उसमें आप देख लो यहाँ पे, जैसे मैं डिस्प्ले ऐड में आपको दिखा दूँ एक, ये यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिव आप चाहो तो उसको फिक्स भी कर सकते हो, लेकिन रिस्पॉन्सिव में आपको ज़्यादा अच्छे एडवर्टाइजर्स मिल जाते हैं। ये स्क्वायर है, ये हॉरिजॉन्टल में हम आ जाएंगे यहाँ पे, ये वर्टिकल पे भी आप आके क्रिएट कर सकते हो अगर आपको साइड बार के लिए क्रिएट करना होगा, तो मैं एक स्क्वायर ऐड ही क्रिएट कर देता हूँ नया, माई न्यू स्क्वायर एड यहाँ पे इसका मैंने नाम रख दिया। अब मैं यहाँ पे इसको क्रिएट कर ले रहा हूँ इस ऐड को। अब हमारे पास ये कोड आ गया, हमें सिंपल सा इस कोड को कॉपी करना है, अपने वेबसाइट पे आना है, आपकी जो वेबसाइट रहेगी आपने आर्टिकल लिखा रहा होगा उस पर आपको आना है, यहाँ पे आके सिंपल सा यहाँ पे प्लस आइकन के बाद यहाँ पे आपको एड लिखना है, HTML कस्टम HTML, आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। सिंपल सा हमारा एड पेस्ट हो गया, आप देख सकते हो ये कैसा अपीयर भी करेगा प्रीव्यू करके। एड लोड ले ले हमारा, टाइम लगा थोड़ा लोड लेने में, आप देख सकते हो आपको ऐसे एड अपीयर होगा। मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको कि एड आपको ऐसे दिखेगा, आप जब अपने वेबसाइट पे डाल दोगे उसको पिक्चर में, ये स्क्वायर ऐड है हमारा। इसी तरह अलग अलग टाइप्स के हम ऐड क्रिएट करते हैं, उनको ऐड कर लेते हैं एकदम सिंपल और आसान तरीके से। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होगे कि एडसेंस में ऐड कैसे क्रिएट होते हैं।